हेलो एवरीवन, दिस इज 21 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी. द क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंड मायोग्लोबिन आर रिस्पेक्टिवली. हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, साइटोक्रोम P450 और मायोग्लोबिन का हमें क्या बताना है, फंक्शन बताना है. ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे. यहाँ पे देखिए, साइटोक्रोम P450 क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इज़ ए फैमिली ऑफ एंजाइम फाउंड इन द लीवर एंड अदर टिश्यू. ये क्या होता है, एंजाइम्स, ये एक एंजाइम्स होता है जो कहाँ मिलता है, लीवर में और टिश्यू में मिलता है. प्ले क्रूशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जिसका काम क्या होता है, जो दवाई वगैरह होती है उसको मेटाबॉलिज्म में काम करता है. एंड वेरियस कंपाउंड इन द बॉडी, और जो भी कंपाउंड होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटांस इंक्लूडिंग मेडिकेशंस, टॉक्सिक एंड एंडोजीनियस मोलिक्यूल लाइक स्टीरोइड. ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ब्रेक डाउन करने का काम होता है सब्सटांस को. कैसे सब्सटांस, मेडिसिन वगैरह हो या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटांस हो या फिर स्टीरोइड लाइक सब्सटांस को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन का काम करता है. एंजाइम 450 एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर देयर करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक एट 450 नैनोमीटर व्हेन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. देखिए, इसको साइटोक्रोम 450 एंजाइम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता है, बाउंड होता है, तो क्या होता है कि 450 नैनोमीटर पर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है. दे आर द नंबर ऑफ साइटोक्रोम आइसोफॉर्म एंड ईच वन में हैव डिफरेंट सबस्ट्रेट एंड फंक्शन. देखो, जो साइटोक्रोम इंजाइम्स है, इसके अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, आइसोफॉर्म मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, मे हैव डिफरेंट सबस्ट्रेट एंड फंक्शन, जिनके अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं. दे आर इम्पोर्टेंट इन ड्रग इंट्रैक्शन एंड कैन अफेक्ट हाउ ड्रग आर मेटाबोलाइज एंड देयर इफेक्टिवनेस. ये क्या काम करता है, ये ड्रग के साथ क्या करता है, इंट्रैक्शन का काम करता है, उनके मेटाबॉलिज्म का काम करता है और उनके इफेक्टनेस को काम करता है. यहाँ पे देखिए, साइटोक्रोम का काम क्या है, साइटोक्रोम एंजाइम्स कैन इंडीड ऑक्सीडाइज एल्कीन. क्या करता है, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है. दिस प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रेंज ऑफ रिएक्शन दे कैन कैटलाइज इंक्लूडिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसका काम का क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन का काम करता है. When a cytochrome enzyme oxidizes an alkene, it typically involves the addition of oxygen atom to double bond. ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन एटम को जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऐड करने का काम करता है. कन्वर्टिंग इट इंटू एन इपोक्साइड, उसको इपोक्साइड में चेंज करता है. दिस कैन बी क्रिटिकल स्टेप इन द मेटाबोलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड. ये क्या काम करता है, बहुत सारे ड्रग के मेटाबोलिज्म में काम करता है और इसका काम क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड्स को ट्रांसफॉर्म करने का, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने का काम करता है. द स्पेसिफिक मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन वेर डिपेंड ऑन द सब्सट्रेट एंड द पर्टिकुलर एंजाइम आइसोफॉर्म इन्वॉल्व्ड. इसमें जो मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, ये किस पर डिपेंड करता है, सब्सट्रेट पर डिपेंड करता है और एंजाइम के आइसोफॉर्म पे डिपेंड करता है. दिस एंजाइम आर नोन फॉर देयर वर्सेटिलिटी एंड ए प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ जीनोबायोटिक सब्सटेंस एंड एंडोजीनियस मॉलिक्यूल इन द बॉडी. इसका काम क्या होता है कि जो बॉडी में जो बहुत से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में एंजाइम काम करता है. ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये क्या है, साइटोक्रोम 450 की स्ट्रक्चर है. यहाँ पे इसके यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन 3 प्रेजेंट होता है. देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एल्कीन की स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम 450 की स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसके पास क्या है, एक फ्री रेडिकल है, एक सिंगल
यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है और यहाँ पर क्या बना लेती है, डबल बॉन्ड बना लेती है। इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन फाउंड इन द मसल टिश्यू, क्या होता है, प्रोटीन होता है जो मसल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इन स्केल्टन एंड द कार्डिक मसल्स, मसल्स में प्रेजेंट होता है स्केल्टन और कार्डिक के में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन विद इन मसल सेल्स। ये क्या काम करता है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मायोग्लोबिन मेन फंक्शन इज टू फैसिलिट द शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, अलाउिंग मसल सेल टू हैव ए रियलिटी अवेलेबिलिटी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर पीरियड ऑफ इंक्रीज डिमांड एंड सच एज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या, काम क्या होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम क्या होता है, जो मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये मसल को क्या करता है, अलाउ करता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, किस सिचुएशन में, जब शरीर को क्या होती है उसकी ज़रूरत होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन इंक्लूड ए हैमिक ग्रुप, मायोग्लोबिन में क्या होता है, एक हैमिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच कंटेन आयरन एट इट्स कोर, आयरन प्रेजेंट होता है सेंटर में। द आयरन आइटम आर रिवर्सिबली बाइंड टू ऑक्सीजन मोलिक्यूल, आयरन एटम क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होता है, फॉर्मिंग ऑक्सीमायोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। व्हेन ऑक्सीजन लेवल इन द मसल्स आर हाई, मायोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन, एंड व्हेन ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इट रिलीज ऑक्सीजन टू द सराउंडिंग मसल टिश्यू। जब क्या होती है, मसल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, और जब ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन की जब शरीर को ज़रूरत होती है तो क्या करता है, ये मसल्स टिश्यू को क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और किस में मदद करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोडक्शन में ये मदद करता है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन रेड कलर इज व्हाट गिव मीट इट्स रेड एंड पिंक अपीयरेंस, इट डिफर्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन विच इज़ फाउंड इन रेड ब्लड सेल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मायोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का होता है, पिंक अपीयरेंस होती है, किस वजह से होती है, ये हीमोग्लोबिन से किस वजह से अलग है, क्योंकि इसमें क्या होती है, रेड ब्लड सेल मिलती है जो किस में मदद करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है बॉडी के अंदर। मायोग्लोबिन रोल इन लोकेलाइज विद इन मसल सेल टू सपोर्ट देयर ऑक्सीजन नीड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, जब मसल्स कंट्रैक्ट करती है तो उस सिचुएशन में क्या करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए ये मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें देखिए ये क्या है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता तो क्या बना लेता है, कार्बोक्सी मायोग्लोबिन बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बना लेता है, ये मेटा मायोग्लोबिन बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होके क्या बना लेता है, ऑक्सी मायोग्लोबिन। और इसके बाद क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन के बाद क्या बन जाता है, ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रोसेस करता है। तो देखिए इसमें सही आंसर हमारा क्या हुआ, सबसे पहले जो साइटोक्रोम P450 का काम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन का काम करता है, और मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 स्टोरेज का काम करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर 1 हमारा क्या है, सही आंसर है। एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।